बिल्कुल मारने लगे थे, थोड़ा लड़ रहे थे। नहीं मार देना था, ये भूखे इसे करता है आदमी, दूसरे को मारकर खुद खाता है ये। जो सारे कुत्ते ना इन्होंने गैंग सा बना रखा है, ये इस कुत्ते को मारने लगे थे। ईमानदारी से कहूँ मुझे नहीं लगता ही विल सर्वाइव द नाइट, बिकॉज हम लोग जाएंगे और ये इस पे अटैक करेंगे। बर्फ से ढका ये रेगिस्तान हिमाचल के पूर्वी भाग में चीन बॉर्डर से सटी हुई स्पीति वैली है। पिछले कुछ सालों में यहाँ पे क्या ऐसा बदला जो कुत्तों ने कुत्तों को खाना शुरू कर दिया, यही समझने और इसे सुलझाने हम जा रहे हैं स्पीति। कल सुबह 4 बजे मैं, तुषार और वैभव यहाँ से स्पीति के लिए निकल रहे हैं। वहाँ पे हम अपना विंटर डॉग फीडिंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। हम जाएंगे काजा, जो वहाँ का एक मेन शहर है। वहाँ पे हमने कुछ लोग हायर किए हैं जो डॉग फूड बनाएंगे और वहाँ पे डॉग्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मिलते हैं कल सुबह 4 बजे। सुबह के 4 बज रहे हैं। हमने अपना खाना, पानी, कुत्तों का खाना सब गाड़ी में पैक कर लिया। राम जी ने चाहा तो शाम 4 बजे से पहले हम रामपुर होंगे। वहां जाके डॉग फूड खिलाने की तो हमारी पूरी तैयारी है, पर फिल्म की सारी प्लानिंग रास्ते भर होती जाएगी, क्योंकि हमारे पास तैयारी के लिए चाहे जितना मर्जी समय हो, मीडिया का क्वालिटी काम होता है डेडलाइन से जस्ट पहले। नाक में रस्सी है, ये बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, नहीं लगता नहीं है, नाक में दर्द नहीं होता, होता होगा यार। उसको देखो सांस लेने में, ये देखो सांस लेता है, ले तो रहा है उसको। आपको देखो, आपको तकलीफ उसको कितनी हो रही है। नहीं हमने सुना ये 3 लाख के हक हैं, इनके अलावा वैसे सेल्फियाँ नहीं खिंचा सकते। लोग आएंगे, पैसा देंगे, फोटो खिंचाएंगे, सबको ये है कि भी हमें एक बढ़िया फोटो मिल जाए। याद किस हालत में, उसकी किसी को परवाह नहीं है। उसकी नाक में नकेल है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, छोटी सी उस पर वो बंदा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है ना भाई मीट खाने जैसी कि भाई छोड़ ही नहीं जाती, इसकी आदत पड़ी हुई है। ये याक के साथ फोटो खिंचाना, हाथी पे चढ़ना, ऊँट पे चढ़ना, ये सब तो हम रोक ही सकते हैं, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। आंखें खुली होना तो दुनिया की सबसे खूबसूरत वादियों में भी जिंदगी का बदसूरत चेहरा आपको दिख ही जाता है। शायद इसीलिए बहुत से लोग अपनी आंखें बंद ही रखना चाहते हैं। ये सब कुछ जो है हम पर्सनली फंड कर रहे हैं। इवन हमारा जो गियर है हमने खुद फंड किया है। डॉग फूड जो है वो आप लोगों ने स्पॉन्सर किया है, थैंक यू सो मच। जो डॉग फूड डोनेशन में है इसमें कुछ मीटअप कंपनी का भी है, पर ये डॉग फूड वेजिटेरियन है। फाइनली हम रामपुर पहुंच गए हैं। हम सुबह 4 बजे निकले थे, इस समय आई थिंक 6 साढ़े 6 बज रहे होंगे। इस समय सुबह के 5 बज रहे हैं। हम रामपुर से चीचम के लिए निकल रहे हैं। हमारे साथ 2 नए सदस्य और हैं। एक तो नामग्याल जी जो चीचम से ही आए हैं हमें लेने, बिकॉज सड़क पे कई जगह बर्फ जमी हुई है और ऊपर से इस समय ना लैंडस्लाइड होने का भी खतरा रहता है। और साथ में एक बड़ा पतीला जो कल शाम को हमने यहाँ बाजार से खरीदा ताकि हम वहाँ पे डॉग फूड करवा सकें। अभी हमने थोड़ी देर पहले नाको पार किया, अभी हम यहाँ पे हैं मलिंग पास में। यहाँ बर्फ तो बहुत गिरी हुई है पर ठंड नहीं लग रही, वो इसलिए भी उसने मैंने 5 तो स्वेटर के नीचे लेयर्स पहन रखी है। यार इस पास को थोड़ा खतरनाक माना गया क्योंकि यहाँ लैंडस्लाइड बहुत होती है। अभी हमने वहीं से निकलना है। पाम से निकलो ना तो सब उलट पलट दिखता है। हमारे को जिस चीज़ में खुशी मिलती है, हमारे लिए जो एडवेंचर है, वो लाइफस्टाइल किसी और की मजबूरी है। हम शहर छोड़ के गाँव में बस गए। लोगों को अपना गाँव घर छोड़ के बाहर नौकरी की तलाश में आना पड़ता है। अब इंसान इंसान में भी कितना फर्क है। कई ऐसे हैं जो बहुत कम होते हुए भी दूसरों का बोझ उठा लेते हैं और कई सिर्फ दूसरों पे बोझ डालना जानते हैं। ये रोबन क्या हुआ है? ये फूल गया यार, डीजल का कैन पता नहीं फूल गया या फूला हुआ लग रहा है, जैसे चिप्स का पैकेट नहीं फूल जाता। मुझे नहीं पता, कुछ नहीं है ना, कोई आवाज़ तक नहीं है इसमें। और वैसे लेह का रास्ता सर्दियों में बंद होता है, पर बहुत से लोग लेह और स्पीति में कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि स्पीति का रास्ता भी बंद है, जबकि सिर्फ मनाली वाला रास्ता बंद होता है और किन्नौर वाला सर्दियों में भी खुला होता है। दिल्ली ISBT से आपको रिकॉन्ग पियो तक की बस मिल जाएगी और फिर रिकॉन्ग पियो से काजा के लिए रोजाना बस चलती है, बशर्ते उस दिन बर्फ ना गिर रही हो। यहाँ से हम एकदम गाड़ी भगा रहे हैं बिकॉज ये स्टोन शूटिंग एरिया है, तो ये रेत का पहाड़ है, इससे छोटे छोटे पत्थर आके गिर रहे हैं। अभी टर्न करके गाड़ी में बजा गई, बस विंडशील्ड पे ना लगे, बाकी तो सब सही है। स्पीति पहाड़ों के रेन शैडो एरिया में, यानी कि ये वादी पहाड़ों से कुछ ऐसे ढकी है कि यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। तो कम बारिश और हड्डियाँ जमा देने वाली ठंड के चलते यहाँ पे खेती सिर्फ अप्रैल से लेके सितंबर तक ही होती है। भगा रहे से कुत्ता को मार रहे थे। कौन से कुत्ते को? बिल्कुल मारने लगे थे, थोड़ा लड़ रहे। नहीं मार देना। सर्दियों में ज्यादा होता है क्या? हाँ, सर्दियों में ज्यादा। ये भूखे इसी करता है आदमी, दूसरे को मार कर खुद खाता है। ये जो सारे कुत्ते हैं ना, इन्होंने गैंग सा बना रखा है। यहाँ पे सर्दियों में यही होता है, ये गैंग बना लेते हैं क्योंकि इन्हें भूख लगती है। ये इस कुत्ते को मारने लगे थे। यहाँ पे जो लेबर लगी है कुछ, उन्होंने इसको बचाया, उन्होंने पत्थर मारे। हमने तो गाड़ी रोकी है, कोई कुत्ते को पत्थर मार रहा है, तो वो इसको बचा रहे हैं। आजा देखो, ले ये ना तो पकड़ में आ रहा है, और अगर हम इसको पकड़ भी लेते हैं तो जीप में जगह नहीं है, इसको फर्स्ट एड दे सकते हैं। ईमानदारी से कहूँ, मुझे नहीं लगता ही विल सर्वाइव द नाइट, बिकॉज ये हम लोग जाएंगे और ये इस पे अटैक करेंगे। ये चीज़ हमें स्पीति में अवॉइड करनी है, इसीलिए हम वहाँ पे फीडिंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं कि भाई सिटी में जो काजा है और जो भी विलेजेस हैं वहाँ पे फीडिंग हो, ना कुत्ते भूखे होंगे और ना ये नौबत आएगी। ना दिखता तो सही था, सारी फील से हो गया। आई डोंट नो, सही लगे स्लिप हो रही है गाड़ी से थोड़ी। फाइनली चीचम, अब हम टापा भैया के यहाँ बैग लेके जा रहे हैं। कैसा रहा सफर? बढ़िया। टाकपा भैया स्पीति में हमारी डॉग फीडिंग सेटअप कराने में मदद करा रहे हैं। स्पीति में अपनी पहली रात हम इन्हीं के घर पे काट रहे हैं और इन्हीं के गांव चिचम में आज लोसर, जो कि स्पीतियन नया साल है, उसका जश्न है जो सब मिलजुल के मनाते हैं, और हम भी उसी में भाग लेने जा रहे हैं। ये रात इंसानों के लिए चाहे जितनी खास हो, इनके लिए तो ये बस एक और संघर्ष की रात है। ये स्पीति में हमारी पहली सुबह है। अभी हम चिचम में ही हैं। रात को 1:30 बजे भी हम उठे थे कि भाई गाड़ी को स्टार्ट करना था, डीजल जम ना जाए। सुबह 5 बजे हम उठे हुए हैं। कल रात से हमें डॉग्स दिख रहे हैं, पर वो हमें देखते हैं वो भाग जाते हैं, काफ़ी डरे हैं। तो अभी हम गाड़ी से डॉग फूड लाएंगे और उनको अपने पास बुलाने की कोशिश करेंगे। सुबह की शुरुआत काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि यहाँ पे जो टॉयलेट है वो कॉम्पोस्टिंग टॉयलेट है और कोई प्रॉपर बाथरूम वगैरह का प्रोविज़न नहीं था जहाँ पे हम ब्रश वगैरह ठीक से कर सके, क्योंकि रनिंग वाटर तो यहाँ पे है नहीं। खैर फिर कौन मॉर्निंग वॉक। चीचम की लाइफ काफ़ी कम्यूनल है, तो अभी भी सुबह सबने अपनी गाय गधे कट्ठे बाहर निकाले हैं। यहाँ आगे ऊपर जाके चरने को थोड़ी बहुत घास है, तो ये सब वहीं जा रहे हैं। बाकी तो सब कुछ बर्फ़ से ढका हुआ है और इस समय यहाँ पे कुछ नहीं उगता। स्पीति के हर गांव में आप एक चीज़ देखेंगे कि सारे घरों का ढांचा एक जैसा रहता है। सारे घर सफ़ेद पेंटेड होते हैं और सभी के सभी सन फेसिंग होते हैं, और हर घर के ऊपर आपको सूखती हुई घास और लकड़ियों का ढेर दिखेगा। घर से ही एक एंट्री इनके ग्रीन हाउस में, जिसे हम आई थिंक इसको सन रूम भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने टमाटर लगा रखा है। बचपन से मेरे साथ एक समस्या है कि खुशी होते ही किसी ना किसी बात का गिल्ट शुरू हो जाता है। तो इस समय गर्मा गर्म आलू के पराठे खाने को मिल रहे हैं, तो कल रात के कुत्तों के भूखे चेहरे मेरे सामने आ रहे हैं। खैर, हमने कल से फीडिंग तो शुरू करनी ही है। फिलहाल मैं टाकपा भैया से ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुत्तों और इंसानों में दुश्मनी किस बात की है, इंसान और हम कुत्तों के बीच में झगड़ा क्यों हुआ। तो मेन तो ये है कि ये हमारे डोमेस्टिक जो एनिमल्स हैं, यहाँ के बछड़े, जैसे हम यहाँ से 20-25 बेचते थे तो 5 ही वापस पहुँचता था। और दूसरा ये हमारा जैसे वाइल्ड लाइफ पे भी वो अटैक कर रहे थे, शिकारी कुत्ते बन गए थे। तीसरा तो ये है कि जैसे खाना लेके कोई यहाँ से दूसरे घर जा रहे होते तो कुत्ते उनके पीछे पड़ जाते थे, तो इसी तरह इंसान और कुत्ते के बीच में थोड़ा वो झगड़ा स्टार्ट हो गया था। तो जब कुत्तों में भुखमरी हुई तो उन्होंने मवेशियों का शिकार करना शुरू कर दिया। कोई आदमी थैला लेके चलाया तो उसके पीछे पड़ गए, तो इंसानों ने डर के और अपने मवेशियों को बचाने के लिए कुत्तों को मारना शुरू किया, भगाना शुरू किया। ये देख कुत्ते और अग्रेसिव हो गए, गुस्सैल हो गए, और इंसान और अग्रेसिव हो गया, तो एक साइकिल सी बन गई। पर यह सवाल अभी भी खड़ा है कि कुत्तों में भुखमरी आखिरकार हुई क्यों। लकड़ी खा रहा बेचारा। आ रहे। यही चक्कर है, कुत्ते इतना डरे हुए हैं क्योंकि उनको नहीं पता भी कौन उनको अटैक करके खाने की कोशिश करेगा। हमारा डॉग फीडिंग प्रोग्राम ये नहीं है कि हम एक एक कुत्ते को खिलाएं। हमारे को तो ये है कि यहाँ पे हम एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सेटअप कर दें, पर ये अब हमें दिख रहे हैं तो रहा नहीं जा रहा। हम ये प्लेट्स इकट्ठी कर लेते हैं, क्या आगे काम आएंगी, और ये डॉग फूड देते हैं ताकपा भैया को। मैंने आपको बताया था ना, रात को हमको गाड़ी उठ के स्टार्ट करनी पड़ी, ना करो तो डीजल जम जाता है। टाकपा भैया की गाड़ी के साथ यही हुआ है। अब वो डीजल टैंक के नीचे आग लगा के उसको गर्म करेंगे। इस समय हम चीचम से निकल रहे हैं। फिलहाल तो हमारा प्लान ये है कि काजा, जहाँ कुत्तों की सबसे ज़्यादा आबादी है, वहाँ जाके इस समस्या को अभी के लिए सुलझाएं। पर मैं रास्ते में की मॉनेस्ट्री होकर उन पपी से मिलना चाहूँगा जिनसे कुछ महीने पहले मिल के मेरा ये प्रोजेक्ट करने का इरादा पक्का हुआ था। यहाँ न्यू ईयर की सेलिब्रेशन चल रही है, तो हमको लगा हम शूट कर लेते हैं। हम आए तो यहाँ पे हुए ही हैं। हे, एक तो ये रहा। हाँ जी, आप अकेले ही हो? इनका घर उधर है, स्तूपा के पीछे ना। इनका ये किसी ने शायद नया घर बना दिया है। इनके भाई बहन प्रॉब्ली ऊपर वाले घर में होंगे। लेट्स सी, नॉट अ गुड साइन। ये तो घर तो सिर्फ दीवारें ही बची हैं। इन्हें तो फीड करते हैं। जब हमने प्रोजेक्ट शुरू करने का सोचा था तब भी मैं इसी स्पॉट पे था। ये 5-6 पपीज़ थे। हाँ, इनके भाई बहन थे 5-6। हाँ, सब फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? पहाड़ से नीचे? नहीं, कूड़ेदान में फेंक दिया। कूड़ेदान में फेंक दिया? आई डोंट नो, थोड़ा डिसहार्टनिंग सा है। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है और हम शायद 1-2 या 3 जगह ही लिमिटेड डॉग्स के लिए इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इस समय आई एम जस्ट नॉट फीलिंग गुड। आखिरकार हम डोल्मा दीदी के यहाँ पहुँचे हैं, काजा में। हम इन्हीं के यहाँ रुक रहे हैं और कल इन्हीं के यहाँ पे डॉग फूड बनना शुरू होगा। आमतौर पे लोग उन डॉग्स को फीड करते हैं जो उनके घर के आसपास गली मोहल्ले में होते हैं। अब काजा में तो हमने लोगों को हायर किया है जो खाना बनाएंगे भी और जा जाके डॉग्स को फीड करेंगे। तो इस समय हम काजा बाज़ार जा रहे हैं देखने कि ये कितना प्रैक्टिकल है। चीचम के मुकाबले काजा के कुत्ते जो है बेहतर सेहत में हैं और ये हैं भी थोड़ा फ्रेंडली। अब ये इतने मोटे ताज़े दिखते हैं पर ये बस दिखते मोटे ताज़े हैं क्योंकि इनके बाल बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये इतने ठंडे वातावरण में रहते हैं। पर वैसे अगर आप इनके पेट देखें तो सबके पेट पिचके हुए हैं और ये एक गैंग है, लेकिन जब खाने की कमी होगी तो ये अपने में से जो सबसे कमज़ोर है ये उस पर भी टूट पड़ेंगे। हम यहाँ काजा बाज़ार में डॉग्स को खाना खिला रहे थे। हमें अंदर से कुछ मारपीट की आवाज़ आई, हमने अंदर जाके देखा पर यहाँ तो माजरा कुछ और ही था। यहाँ पे यहाँ की जो ट्रेडिशनल गेम है चोलो वो चल रही थी। बर्फ़ गिरी है तब भी ये उम्मीद लगा के खड़ा है। इसको भी हमने खाना दिया था लेकिन अब खाना सारा गाड़ी में पड़ा, हमारे पास अभी कुछ देने को है नहीं। खैर कल तो फीडिंग प्रोग्राम शुरू हो जाएगा तो चंद ऐसे कुत्ते कम हो जाएंगे। स्पीति का जीवन आसान नहीं है। पहले तो सुबह उठ के छत पे जमी बर्फ हटाओ, फिर क्योंकि पानी की पाइपें जम जाती हैं तो रोजमर्रा की जरूरत का पानी सर्दी भर सुबह सुबह ढो के लाना पड़ता है। फिर भी कई लोग घर के आसपास के कुत्तों को तो खाना दे देते हैं पर स्पेशल जाके कोई कुत्तों को खाना नहीं खिलाता। काजा के लिए हमारा सारा आटा आ गया है, टाकपा भैया ने अरेंज किया। अब टाकपा भैया उनके दो फ्रेंड्स ये मूव करे, मैंने एक बोरी मूव करने की कोशिश करी है और मेरी जान निकल गई। आखिरकार जिसलिए हम स्पीति आए थे, डॉग फीडिंग प्रोग्राम अब शुरू हो रहा है। डोलमा दीदी जिनके हम ठहरे हुए थे, इनकी फ्रेंड है सोनम, एक और डोलमा दीदी, और अब हम बनाएंगे डॉग फूड। रेसिपी बहुत सिंपल है। पहले आटा गूथा, फिर उसकी एक बॉल सी बनाई, फिर उसको पानी में उबाल दिया, बस। ये डॉग फूड का हमारा पहला बैच है, इसमें तो हमने प्रोसेस समझी, इसमें हमने सिर्फ आटे का इस्तेमाल किया। इसके नेक्स्ट बैच में हम केबल भी ऐड करेंगे ताकि डॉग फूड थोड़ा न्यूट्रिशियस हो जाए और टेस्टी भी। आपको ऐसे डॉग से डर लगता है, डॉग्स पसंद है या तो जो मैंने चिपकते बहुत ही काटते हैं लोगों को भूखी बन जी। हाँ। अगर उनका पेट भर जाए तो शायद लोगों को भी कम काटे। अब लोगों को काट काट के नीचे घर के बाहर रखना मुश्किल हो गई जी। लोग बोलते हैं जी आप इनको खाना क्यों खिलाते हो, फिर गुस्सा करते हैं जी लोग, फिर इसकी इस वजह से हम खाना भी दे देना छोड़ देते हैं लोग कुत्तों को ना जी। हाँ। तो वैसे भी गांव में अगर 50 घर है 5 कुत्ते हैं तो पल जाते हैं, पल जाते हैं आराम से पलेंगे ना जी। 50 घर है 100 कुत्ते हैं, 100 से ज़्यादा कुत्ते हैं जी, पाना भी मुश्किल है ना जी। इन्हें फेंक के इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि ये एक तो इंसानों से थोड़ा डर रहे हैं, दूसरा ये कि जितना हम दूर दे सकें उतना इनमें आपस में लड़ने के चांस कम है। इंडिया में हर कुत्ते का निकनेम है ये ले। ये तो वही दोबारा आ गए घूम के, चालू इसको नहीं मिला ना। हमारे पीछे डॉग्स हैं, इनको हम खिला के आए हैं, ये यहीं थम गए हैं क्योंकि आगे जिनको हम खिला रहे हैं ये एक अलग गैंग है, ये इनको यहाँ आने नहीं देंगे। डॉग्स बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल होते हैं, इसीलिए आप एरिया से उठा के दूसरे एरिया में नहीं छोड़ सकते, प्लस ये गैर कानूनी है। अब हम नरेंद्र राणा जी से मिलने जा रहे हैं जो काजा में पीपल फार्म के एक फॉलोअर हैं। उनका कहना यह है कि पीपल फार्म से इंस्पायर होकर उन्होंने बहुत सारे पपीज को रेगुलरली खाना देना शुरू कर दिया है। अब गाँव पहले हम क्या करते थे तो आपको लाइफ स्टॉक बहुत ज़्यादा है, अब सब जगह क्लोन कम कर दिया क्योंकि को तोनाटे करना शुरू कर दिया। गाँव में लोग इलाज तो था नहीं कोई, तो सोलूजी जाने के उन्होंने लाइफ स्टॉक ही कम कर दिया, मतलब कोई और नहीं रख रहे, भेड़ बकरी नहीं रख रहे लोग ने। स्पीति में वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा है, जब ब्लू शीबैक आईबैक्स उनकी भी शिकार कर दी है। 2014 में देखा बर्फ़ ज़्यादा पड़ जाए तो क्या करें, वो तो डूब जाता है आईबैक्स पर, भाग नहीं पाता है तो ये इसलिए पकड़ लेते हैं। नहीं कुत्ते, मुझे नहीं पता कि हम कामयाब होंगे या नहीं, पर अगर हमारे पेट भरे हैं तो किसी और के पेट भरने की कोशिश करना तो बनता था। आज हमने खुरिक जाके डॉग फीडिंग शुरू करानी है रात को, लेकिन हम लेजी हो गए और हमने गाड़ी स्टार्ट नहीं की। तो सुबह अच्छा है धूप निकली हुई थी, हमने बोनट खोल के गाड़ी को धूप लगवाई है, गाड़ी स्टार्ट करी है, गाड़ी स्टार्ट हो भी गई है। आज आप क्या पूजा है? हाँ जी, इसमें हम कालजांग जी के यहाँ हैं। कालजांग जी से ये जो सारा हमारा स्पीति डॉग फीडिंग प्रोग्राम है इसकी शुरुआत हुई थी 6-8 महीने पहले। कालजांग जी, इनकी सिस्टर उषा और इनका नेफ्यू तेंजिन वो हमारे फार्म पे आए। इन्होंने हमें बताया कि भाई स्पीति में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होती है कि सर्दियों में कुत्ते के पास बिल्कुल खाना ही नहीं होता, वो एक दूसरे को खाना शुरू कर देते हैं। तो बात मुझे बड़ी अजीब लगी, इंट्रीगिंग भी लगी। तो मैं और शिवानी 2 महीने पहले यहाँ पर आए, हमने हालात का थोड़ा जायज़ा लिया और डिसाइड किया कि भाई हमें यहाँ पर डॉग फीडिंग प्रोग्राम शुरू करना है। कुछ वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े, अंजलि नाम की एक वॉलंटियर जुड़ी, उनकी मदद से हमारे यहाँ पे कनेक्शन बने और कल फाइनली हमने काजा में डॉग फीडिंग प्रोग्राम शुरू किया है। और आज फुल सर्कल हम खुरिक में हैं और अब यहाँ पे काजांग जी और जो मिसेज लोसांग उनकी मदद से डॉग फीडिंग का प्रोग्राम हम यहाँ पर भी शुरू कर रहे हैं। कालजांग जी के यहाँ आज लोसर की पूजा है और आज ही के शुभ दिन वो और उनकी वाइफ लोसांग जी खुरिक में डॉग फीडिंग शुरू कर रहे हैं। इस समय हम खुरिक में डॉग फीडिंग कर रहे हैं लोसांग दीदी के साथ, इनके घर में पूजा चल रही है, तब भी ये यहाँ पे हमारे साथ डॉग फीडिंग कर रही है। तो पूजा करने का इससे अच्छा और क्या तरीका है कि किसी भूखे का पेट भरना। यहाँ पे पहले तो 4-5 कुत्ते ही होते थे, तो उसके बाद जैसे यहाँ पे टूरिज़्म डेवलप हुआ तो कुत्तों का तादाद भी बढ़ गया था क्योंकि होटल्स खुल रहे थे। ये शिवानी की टीम बनाती है, ये कोकोनट वाली ग्रेनोला बार है, ये चॉकलेट वाली, और ये तो बड़ी मुश्किल से लाएंगे, ये सारी खा जाता है चॉकलेट वाली, मेरी सारी गायब है। तो आपके गांव में यहाँ खुरिक में कितने घर हैं? यहाँ लगभग 42 के आसपास है। और कितने कुत्ते हैं? कुत्ते तो काफ़ी हैं, मैं गिने नहीं है पर काफ़ी ज़्यादा है। गर्मियों में मैंने देखा नहीं इतनी दिक्कत, विंटर्स में मैंने देखा है क्योंकि खाने को नहीं होता तो कुछ तो अपने एक दूसरे को खाना शुरू कर देते हैं। एक तो भूखे बहुत होते हैं, ऊपर से ठंड बहुत होती है, तो ये दो चीज़ से वो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं डॉग्स। तो वो फिर उनको कुछ लगता है कि कहीं से कुछ भी मिल जाए खाने को। कभी किसी का दरवाज़ा खुला होता है घर का, तो अंदर घुस कर वो चोरी करना शुरू कर देते हैं। ये फिर कोई किसी और के जो पशु जानवर हैं उनको खाने की कोशिश करते थे। कोई डॉग बहुत एग्रेसिव हो गया है और किसी ने खाना खिलाया तो लोग बोलते हैं मत खिलाओ, ये काटता है, ये काटता है। पर मुझे लगता है अगर आप खाना खिलाओगे तो वो लोग नहीं काटेंगे। विंटर्स में अगर उनको खाना प्रोवाइड हो जाए और थोड़ा वैसा हो जाए तो डॉग्स काफ़ी शांत हो जाते हैं, एग्रेसिव नहीं होते हैं। तो जब यहाँ आने वाले सैलानियों की संख्या बढ़ी और बड़े सारे होटल भी खुल गए तो कुत्तों को मिलने वाला खाना भी बढ़ गया। इस बढ़े हुए खाने के अनुपात में उनकी जनसंख्या में भी वृद्धि हुई। समस्या सिर्फ एक थी कि सर्दियों में ना तो सैलानी थे और वो होटल भी बंद होते हैं, तो इस बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए बढ़ा हुआ खाना नहीं था। तो जो समस्या खाने से शुरू हुई उसको हम सिर्फ खाना दे के कैसे सुलझा सकते हैं। अब हम खुरिक के बाद रंगरिक रुके हैं। यहाँ डोल्मा दीदी की एक सहेली हैं जो हमारे इस प्रोग्राम में हेल्प करने में इंटरेस्टेड हैं, तो हम जाके उनसे मिलते हैं। एक दिन यही से सुबह आए थे, कितने 4-5 कुत्ते पीछे लग गए, फिर हम लोग उठे भी नहीं थे, फिर दौड़ के गए ना, फिर दौड़ के जैसे गए कुत्ते को मतलब पकड़ लिया था, यहाँ से खून भी निकल रहा था ना, फिर उसको डर था, जैसे दरवाज़ा खोला अंदर आके हमारे यहाँ चुप गया। ये कमरा है जहाँ पे डॉग फूड की प्रिपरेशन करेंगे। इनके पास बर्तन पहले से है, चूल्हा भी है, सिलेंडर इनका पर्सनल है, तो अभी हम सिलेंडर के लिए, आटे के लिए दीदी को पैसे ट्रांसफर कर देंगे और फिर यहाँ पे प्रोग्राम शुरू। खुरिक में हमने फीडिंग स्टार्ट करा दिया है, रंगरीक में हमारी जांगमू दीदी से बात हुई है तो वहाँ पे वो फीडिंग शुरू करेंगी। अब काजा में नरेंद्र जी हमें मिले हैं जो यहाँ पे सारे लोकल्स को, ग्राम सभा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि अप्रैल में हमारी जो स्टरलाइजेशन ड्राइव है उसके लिए पहले से तैयारी हो सके और हमें पूरी लोकल सपोर्ट मिले। सबसे ज्यादा हम चाहते हैं कि जो जनसंख्या कुत्तों के काबू में लानी है ना, उसके लिए सबसे ज्यादा ये भी डॉग। कोई भी समाधान लंबे समय तक तभी कारगर होता है जब स्थानीय लोग उसको सपोर्ट करें, इसीलिए ये मीटिंग हमारे लिए काफी एनकरेजिंग थी। तो जब हम सर्दियों में कुत्तों के लिए खाने का इंतजाम करेंगे तो ना सिर्फ कुत्तों को राहत मिलेगी बल्कि वो दोबारा से इंसानों पे भरोसा करना शुरू कर देंगे और फिर हम कम्युनिटी की मदद से इनको पकड़ के इनको स्टरलाइज कर सकते हैं और इनकी जनसंख्या को वापस काबू में ला सकते हैं। पर ये सब होगा गर्मियों में। अगर आंखें बंद ना हो ना तो आप जहाँ पे भी हैं आपको भूख नजर जरूर आएगी और अगर हाथ बंदे ना हो तो चाहे किसी एक के लिए ही सही आप उसको मिटा जरूर सकते हैं।